खाना जो मैंने ऑर्डर किया मिलानी संतुला द पम्पकिन फ्लावर चो व्हाई नॉट टू डू ईट समथिंग फॉर माय वेज फूड फ्रॉम एज वेल दही बैंगन आई फॉरगॉट ओह यस बैंगन कितने छोटे छोटे क्यूट से हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये वाला चीज की तो यहाँ पर आपको मिलता है वेज नॉन वेज बैम्बू बिरयानी दम बिरयानी बाइक बिरयानी सॉरी बाइक पार्किंग सो अभी फॉर माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन आई हैव कम टू जंगल व्यू रेस्टोरेंट मैंने इस घर के बारे में काफी सुना है इसका एम्बियंस बहुत अच्छा और यहाँ के बैम्बू बिरयानी बैम्बू मटन एंड चिकन करी कसा उसके बारे में मैंने बहुत सुना है तो लेट्स गो एंड ईट सम बैम्बू बिरयानी एंड बैम्बू मटन उड़ीसा फूड सीरीज में मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जा रहा है मेरे को सब घर के खाने हैं और उड़ीसा की मेरे को एक खासियत बहुत अच्छी लगी कि आपको लोकल्स में भी ना एलियन फूड जिसको हम बोलते हैं फॉरेन फूड आपको बहुत कम मिलेंगे देयर आर स्पेसिफाइड एरियाज डिफाइंड जहाँ पर आपको पिज्जा पास्ता चाउमीन पिज्जा पास्ता बहुत कम देखे क्योंकि देयर आर कैफेज एंड ऑल ना बट सबसे ज्यादा मैंने एक चीज देखा लोगों को कि जो उनका ट्रेडिशनल खाना है ऑथेंटिक खाना वही खाना इधर बाहर मिल रहा है सो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर घर पे नहीं खाया तो बाहर खा लिया सो दिस इज वन थिंग एक मेरे को रोड्स बहुत अच्छे लगे और दूसरा इनका खाना ये अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं ये बड़ा सही लगा बिरयानी सुन लिए तो रुका नहीं जा रहा ना सुन लिए तो रुका नहीं जा रहा है ओ टुडे स्पेशल चिकन वैलेंटाइन वेज वैलेंटाइन वाह वाह सब लोग वैलेंटाइन डे पे आए ना इसलिए सब कुछ वैलेंटाइन वैलेंटाइन अंदर का सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है ये सब तो अच्छा लगता है ऐसे पर चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी अगर आप चाहो तो ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी बैठे हुए हैं क्यूबिकल्स लाइक रूम्स एंड ऑल इसमें बैठ सकते हो बट हम लोग उधर बैठे हुए सीधा रास्ता जाने में किसको तकलीफ होता था रायता ये अंडा करी देते इसके साथ खुशबू तो बड़ी अच्छी बाप रे बाप बहुत क्वांटिटी है यार बहुत क्वांटिटी है खा लेगा तो ससुर आलू नहीं है यहाँ का बिरयानी में आलू नहीं होता ना बाबू मटन ओह ये भी बहुत है यार फाइनली आई एम हियर एट जंगल व्यू रेस्टोरेंट टू ट्राई आउट देयर सिग्नेचर बैम्बू चिकन बिरयानी एंड बैम्बू मटन सो यहाँ पर क्वान्टिटी बहुत है येस इट्स ईजिली शेयरेबल बिटवीन 3 पर्सन लाइक विद अ रेगुलर एपेटाइट लाइक मी बिट्टू भैया एंड वरुण आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर 3 पीपल सो आई विल टेक चिकन एंड इसमें काफ़ी चिकन है 1, 2, 3 वो भी बड़े बड़े पीस 4, 5 ये मैंने 5वां लिया है इसके साथ विल टेक दिस भूना मटन जो ये भी बैम्बू में बना हुआ है इसमें तो बहुत ज़्यादा दिस इज़ लाइक 400 ग्राम ऑफ मटन आप देख सकते हैं दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राई इसके साथ वी हैव गॉट अंडा करी इसका आई थिंक करी इसमें काम आएगा बिरयानी में आई टेक द अंडा एज वेल एंड द रायता एक बार नॉर्मली बाम्बू बिरयानी खा के देखते हो कैसा है वैसे तो हर एक चावल में मेरे को फ्लेवर्स दिख रहे हैं तो बहुत अच्छे से पका हुआ है इसका कलर भी मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है वाइट अर्थी सैफ्रन कलर देन कैरमलाइज ब्राउन अनियन सो इट्स गुड द राइस इज़ वेरी वेल कुक्ड बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चावल हैं बहुत अच्छा फ्लेवरफुल चावल है यू नो अगर चिकन मटन नहीं भी होना तो आप स्टैंड अलोन राइस रायता के साथ खा सकते हैं ऐसा लग रहा है सो इट्स लाइक आई रियली लव दिस मतलब इसमें हल्का सा पुदीना का भी टेस्ट आ रहा है एंड इन्होंने धनिया पत्ता भी डाला है तो एक अलग सा रिफ्रेशिंग टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में अभी जावित्री का टेस्ट आया तो इसमें खड़े खड़े मसाले भी हैं एंड यू नो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड द चावल इज़ वेरी यू नो मॉइस्ट तो नॉर्मल बिरयानी में खड़ा खड़ा चावल रहता है थोड़े से चबने में यू नो च्यू करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट इसके केस में ऐसा नहीं है इट्स टेस्टिंग वेरी गुड सो आई थिंक आई विल गिव दिस टू वरुण वरुण विल ईट दिस बिकॉज ही लव्स बिरयानी ही वोंट बी ईटिंग मटन हाउएवर एंड आई विल ईट दिस विथ माई हैंड्स डिसाइड कर लेती हूँ ये तो मक्खी बहुत है लेट्स ट्राई द भुना मटन कैसा है थोड़ा सा हार्ड है मटन मटन थोड़ा हार्ड है बट लेट्स ट्राई मटन इज़ वेरी हार्ड
हावे मटन की ग्रेवी काफ़ी अच्छी है, खाने में बहुत अच्छा है। जैसे कि इसका नाम है बैम्बू मटन, बट यू नो इट्स बुना बुना एक टेस्ट आ रहा है, बहुत सूखा है, मसाले भी काफ़ी अच्छे हैं, हल्का माइल्ड स्पाइस है, इट्स चटपटा। बट ये जो मटन मीट है वो थोड़ा कुक होने का ज़रूरत था। अच्छा, ये मीट में ना मेटे भी दिया हुआ है, सो दिस इज़ बेसिकली मटन लीवर भी दिया हुआ है। आई लव मटन लीवर, इट्स गुड। बिरयानी इज़ वेरी फ्लेवरफुल। ये बाम्बू बिरयानी का जो चिकन है ना वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है। बिरयानी के अंदर जो पुदीना है ना उसका जायका और उसका टेस्ट इतना ज़्यादा एनहांस्ड है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में। विद द एग करी इट इज़ टेस्टिंग वे मोर बेटर, और अच्छा लग रहा है एग करी के साथ। तो रायता में गाजर खीरा सब कुछ है, ये मैंने मटन के स्पून से मिलाया है, तो थोड़ा सा यू नो वो मटन का जो उसका थोड़ा सा ग्रेवी इसमें चला गया। नमक नहीं है, हाँ, सो रिफ्रेशिंग, गोल जैसा लग रहा है। बिरयानी में ना गोटा गोलमिर्च डाला हुआ है, तो वो काटा मुँह में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यू कैन ट्राई द बैम्बू चिकन बिरयानी अप हियर, बट हाउ बैम्बू मटन आई डोंट नो वेदर टू रिकमेंड यू और नॉट, क्योंकि थोड़ा सा और कुक होना ज़रूरी था, थोड़ा सॉफ्टन होता तो ठीक रहता। Honestly, I really love Varun for one thing because he is eating biryani. Like, जब भी बिरयानी आता है इसके चेहरे पे ऐसे ब्लश आता है जैसे कि नया नया प्यार है। मतलब 10 साल में मैंने वरुण को ड्राइविंग के अलावा, आज ये फर्स्ट टाइम है कि जब मैंने सेकंड टाइम देखा कि ही इज मैडली इन लव विद बिरयानी। जितने बार देखा उतने बार खा लेगा। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? अर्पिता। अर्पिता, अभी तुम लोग का कॉलेज खुल गया है? हाँ, कॉलेज खुल गया। यू आर सो वियर्ड। मतलब अभी हम लोग वहाँ गए थे जंगल व्यू, वहाँ पर भी एक जन मेरे को मिल गए, बोले कि नहीं इधर की नहीं कोलकाता की है बट वो उड़ीसा आई हुई है, तुम उड़ीसा की हो ना। ओके, रियली नाइस मीटिंग यू। आगे दुकान है। ये दौड़ के आई था, आई वाज लाइक स्कैर्ड, व्हाट हैपेंड? इतने दूर से देखते हो थोड़ा कहीं तरह देखते हो पास है तो पहचान गई। उड़िया में कुछ बोलो ना। हां, उड़िया में क्या बोलो? एक सिखा दो मेरे को, बस एक चीज सिखा मेरा भाई ना। भाई ना मींस भाई। हां भाई। A few moments later. अर्पिता ने मेरे को ये सिखाया है उड़िया बोलना, भाई ना, मोइना, बोइनी, बौड़ी मतलब बहन, बौड़ी मतलब बहन, मोइना बौड़ी भाई ना। ओ, आप लोग का पीछे तो ज्यादा मस्त दिख रहा है, देखो एक बार मंदिर तो देखो। वो क्या है, क्या हो गया इतना में हालत खराब? जल्दी 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 जल्दी, वो मंदिर सच में क्या मस्त लग रहा है। यू स्केयर्ड मी, फिर ऐसे नॉर्मल, मैं ऐसे नॉर्मली देते तो मेरे को डर लग रहा है। वो आ गया, आई लव यू। वो बोल भी रहा तेरे को। थैंक यू। दिल्ली, पुणे, कटक, भुवनेश्वर, शाहिद नगर, इन्फोसिटी, लुइस रोड, कितने जगह पर है ये वाला? 4:30 तक खुला है। 4:30 खाना क्या है एक बार बता देंगे प्लीज? ये है वेज घंटो, मिक्स वेज घंटो, घंटो घंटो, ये दालमा, ये मिक्स वेज, मिक्स भज्जा, भाजा, मिक्स भाजा, जेटा बोड़ी भाजा, बोड़ी चूरा, बोड़ी चूरा, और ये गोभी भजा, बांधा गोभी, आलू भरता, आलू चोखा, ये साग भजा, शाग, कौन शाग? साग, ये कोशीरा साग, कोशीरा। ओके, और यहाँ पर चावल है, ये खिचड़ी है, राइस है, ये पिकल है, पिकल, और ये पापड़ के साथ है, पम्पकिन फ्लावर, ओ ये है पम्पकिन फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं एक बार बोलिए ना, जो लिखा हुआ था खुखारू फुल्लो भजा, खुखारू फुल्लो भजा, हाँ ठीक है। और ये रायता, रायता ठीक है। अब मेरा एक बटर मिल्क भी है, बटर मिल्क, हाँ ठीक है। फैबुलस, दिस लुक्स गुड, रियली गुड। ए
If you're ever coming to Bhubaneswar, Odisha hotel is a must to try when it comes to trying and experiencing authentic Odia cuisine. So yahan par aap dekh sakte hain mera platter full of happiness hai. This is entirely pure authentic Odia food which I'm eating. Starting from we have papad, we have pumpkin flour ka pakoda, jisko ek to kya unhone bola wo main pronounce nahi kar pa rahi. We have khichdi, we have chutney, we have rice, namak, mirchi normal. We have got तरकारी मैंने वेज घुंटो. आई वॉन्टेड टू ऑर्डर उसका नाम क्या था जो मेरे को मिला नहीं, वो जो था ना जो मैंने ऑर्डर किया मिला नहीं, इसलिए मैंने ये लिया संतुला. हाँ, आई वॉन्टेड टू ईट संतुला बट आई डिडंट गेट इट. नो वरीज, आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दैट. हेयर आई हैव गॉट दालमा. नाउ दालमा ये मैंने घर पे भी बनाया था. दालमा इज बेसिकली इनका वर्जन, मेरे को बहुत ही हेल्दी लगता है क्योंकि दाल के अंदर ये काफ़ी सारे सब्जी दे देते हैं मिला के. सो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर बोथ विच इज़ वेरी हेल्दी. एंड फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई एम ईटिंग लॉट ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर. वी हैव गॉट सैलड विथ रायता. यहाँ पर ये बहुत खाते हैं लोग दही का घोल में एंड सैलड डाल के. देन वी हैव गॉट हेयर accompaniments like alu chokha, this is bora churi and this is saag. So let's take it. Oh wow, is saag mein aisa lag raha pyaaz vyaaz dal ke banaya hua, mirchi tomato wagera, which looks tempting. Chalo let's start off with the saag only. So let's take the dalma first, the saag obviously and some bori bhaja, because ye bori chura na bahut tasty hota hai khane mein. I don't know whether I'm eating in a right way or not, but yes, I will try to eat. It's alu in dal, wow. I can't resist my happiness. Literally, I'm salivating now. I love bori chura. In dal mein, you know, there's everything. There's alu, there's pumpkin, there's chola as well. I think water. मैंने जब घर पे भी वीडियो किया था तो आई हैव ट्राई टू ईट ऑन इन काशा थाली. यहाँ पर आप देख सकते हैं सब काशा का बर्तन है, ग्लास टू बाउल्स टू प्लेट एवरीथिंग. दिस बनाना लीफ, ऑल दिस एलिमेंट्स डेफिनेटली एड अ लॉट मोर डिलीशियसनेस एंड ओम्फ टू द ओवरऑल टेस्ट ऑफ अ फूड. सुकून मिला. I'll try the saag ek bar stand alone normally and then I'll think whether to mix it with something or not. I want to see how this tastes. Palang saag. This tastes exactly like palang saag. Let's try the pumpkin flour pakoda. Eta ke bole kumro phul. Bengali mein to kumro phul bole, yahan par kuch aur bolte hain. Oh, isme na kadi patta bhi dala hua hai iska batter mein. It's good. I don't know why, but it's tasting like Brahmani patta to me. And I don't like Brahmani patta. But definitely it's healthy. Papur shaggy ho gaya chhe, kitho ke main thanda kar diyo. लेट्स ट्राई द वेज घुंटो. ना ये वेज घुंटो आप देख सकते हैं इसमें चना है, आलू है, देर इज पम्पकिन और सारा, मतलब आई थिंक बहुत तरह तरह की सब्जियां मिला के दाल के साथ, चने की दाल के साथ मिला के ये एक सब्जी बन गई है. दिस इज लुकिंग मोर और लाइक सिमिलर टू दालमा ओनली टू मी. तो इसको मैं खिचड़ी के साथ खा के देखती हूँ. मैं यहाँ पर नॉनवेज मैंने नहीं लिया बिकॉज हम लोग नॉनवेज ऑलरेडी खा चुके हैं एंड नॉनवेज में तो वही सेम चीज़ है जो मैंने स्टैंड अलोन भी दूसरी जगह खाई है. तो नॉनवेज तो खा ही रहे, तो मैंने सोचा वाई नॉट टू डू ईट समथिंग फॉर माई वेज फूड फॉर्म एज वेल. एंड मेरे को खुद को भी वेज, यहाँ का वेज खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. पता नहीं क्यों, आई एम मोर एक्साइटेड एंड आई फील मोर एपेटाइजिंग टूवर्ड्स द वेजिटेरियन फूड मोर देन द नॉनवेज, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा में मैंने बहुत मटन खा लिया और बहुत फिश खा लिया. दिस खिचड़ी, हम लोगों जैसे खिचड़े तो वैसे नहीं, जैसे सूखा. दिस इज टेस्टिंग लाइक मिष्टी पुलाव है ना, मिष्टी पुलाव आलू दम वैसा टेस्ट कर रहा है. एंड विद दिस वेज घुंटो दिस इज टेस्टिंग दही बैंगन. आई फॉरगॉट, ओह यस आई फॉरगॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये मैं तो भी भूल गई कि मैं दही बैंगन ऑर्डर की हूँ. ओह माई गॉड,
ये दही बैंगन मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैंने घर पे भी उड़िया फूड बनाया था ना, तो दिस वन पर्टिकुलर डिश आई वाज रियली रियली सरप्राइज टू सी कि ऐसा कोई डिश एग्जिस्ट करता है किसी कल्चर में, बिकॉज दही एंड बैंगन बोथ आर माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स एंड इन्फ्यूजन ऑफ बोथ द इंग्रेडिएंट्स इज अ मास्टरपीस. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, उड़िया कुजिन का ये बेस्ट डिश है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट, एंड दही चूड़ा इज माई फेवरेट. सो कमिंग टू द टेस्ट ऑफ द खिचड़ी, दिस खिचड़ी इज टेस्टिंग मोर लाइक अ बासुंदी पुलाव. एंड ये जो वेज घुंटू है ना, इसके साथ खाने से ना पता है वो जो भगवान जी का प्रसाद नहीं मिलता है मंदिर में, भगवान जी का प्रसाद के जैसा टेस्ट करा है, एकदम एग्जैक्टली वैसा. मेरे टेस्ट पैलेट में तो लाइट है ना. इस फूड सीरीज की एक खास बात है कि यहाँ मैंने बहुत हेल्दी फूड खाया, आई हैव एट अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड. आई लव दिस दही बैंगन, आई लव दिस करी, आई जस्ट लव दिस. एंड ये देखो बैंगन कितने छोटे छोटे क्यूट से हैं. एंड आपका पता है इस डिश की खास बात क्या है कि आप इसको नॉर्मल भी खा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ठंडा, दिस इज़ नॉट गरम गरम करी की तरह. आप इसको ऐसे नॉर्मल भी खा सकते हैं चाट की तरह, और आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं. लेट मी टेक द चिलीज. ऑल दिस फूड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प डाइजेशन. वाओ, आई जस्ट लव बेगून, लव बेगून, आई लव भात, आई लव दोई. इन शॉर्ट आई एम इन लव विद उड़िया कुजीन. सच बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, दही बहुत अच्छा लग रहा है. दिस कॉम्बिनेशन इज सो सोलफुल, दही बैंगन है, इट्स मीठा, इट्स खट्टा, इट्स ठंडा, राई दिया हुआ है, एंड द बैंगन इज सो क्रीमी. In love with this. Fabulous. Oh, ye mouth freshener mein ye de rahe, and they're also giving long, which is like fabulous. Ye bahut interesting laga mere ko ye wala cheez ki long bhi de rahe mouth freshener ke saath se. Must visit, like I think it's worth visiting there here.